हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, और मैं तो एकदम ठीक ठाक हूँ भाई। ठीक है, आप सभी का स्वागत है मेरे क्यों ने व्लॉग में। तो आप लोगों ने मुझे जितना सारा सवाल किया था, मैं उन्हीं सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल है टोटल टाइम गेमर का, आपके घर में सपोर्ट करता है कि नहीं? तो देखो भाई, मेरा घर में मुझे फुल सपोर्ट है एकदम, मतलब क्या बोले भाई, मतलब मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी है नहीं, मुझे फुल सपोर्ट करता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट ब्लॉगिंग का, भाई आपका ब्लॉग थोड़ा सा लंबा कीजिएगा, बहुत छोटा। तो भाई की सर से मेरा ब्लॉग बहुत छोटा हो रहा है। देखो भाई, एक ही कारण है कि मतलब पहले स्टार्टिंग किए हैं, तो मतलब शॉर्ट ही ब्लॉग डाल रहे हैं। उम्मीद रखते हैं कि आगे जाकर लॉन्ग ब्लॉग डालने की मैं कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच भाई बोलने के लिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है RKB वीडियो का, तुम्हारा मेहनत एक दिन रैंक लाएगा बेटा, आगे बढ़ते रहो गुरु। तो थैंक यू सो मच अंकित जी उसने हौसला देने के लिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादाम अंकित जी का घर कहाँ है? तो अगर आप बादाम अंकित जी का घर जाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा दुबराजपुर। दुबराजपुर में जाके आप किसी भी टोटा वाले से पूछिएगा कि बादाम अंकित जी का घर जाना है, आराम से पहुँचा देगा। आप भी जा सकते हैं, तो जाइए फटाफट जाइए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैड स्टेटस का, भाई आपका ब्लॉग देखने में बहुत इंटरेस्टेड लगता है सेम अभिरी जैसा। तो थैंक यू सो मच भाई, मुझे अभिरी से कंपटीशन करवाने के लिए, तो मैं क्या ही बोलूँ भाई, मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महबूब एडिटर का, भाई आपका घर कहाँ से है? मैं सूती थाना। तो मैं तो सूती थाना पहचानता ही नहीं। मैं झारखंड पाकुड़ जिला, छोटा सा गाँव लड्डूपाड़ा में रहता हूँ। शायद आपको नाम सुनकर अजीब लग रहा है, लेकिन लड्डूपाड़ा से ही मैं हूँ। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आ रहा भाई साहब, पता नहीं क्या लिखा है, शायद गाली दे रहा तभी मैं मतलब ले लिया हूँ। तो ठीक है, पता नहीं मुझे क्या लिखा है, और आप लोग को समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसे क्या लिखा है। मुझे लैंग्वेज भाषा में तो कौन से भाषा में भी समझ नहीं आ रहा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपसे कुछ बात है, तो आप मुझे अगर बात करना चाहते हैं तो इंस्टा मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपसे आराम से बात कर लूँगा, कोई बात नहीं। जो भी मतलब मुझे बात करना है तो बात कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरिफ हुसैन का, नेक्स्ट बाइक रेसिंग एंड मोटर ब्लॉगिंग लेके आओ। तो भैया देखो कि बाइक रेसिंग एंड मोटर ब्लॉगिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा, शायद इसी में ना सब कुछ रेडी कर रहे हैं। ठीक है, बाइक रेसिंग एंड मोटर ब्लॉगिंग के लिए। तो थैंक यू सो मच भाई बोलने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शमसुद्दीन का, भाई आपका नंबर दीजिएगा प्लीज़। तो देखो भाई, नंबर देना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको नंबर नहीं दे सकता। आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कीजिए, इंस्टा पर बात बात हम कर लेंगे, रिप्लाई मैं आपको पक्का दूंगा। ठीक है, जो भी सवाल जो भी मुझसे बात करना है मैं बात कर लूँगा। इंस्टा पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुलेश टेक का, नेक्स्ट ब्लॉग मनोज डे। तो उसका कहना है कि नेक्स्ट ब्लॉग मनोज डे के साथ। तो मुझे देखते हैं कि भाई एक महीने से पहले ही मैं मनोज के साथ आपको ब्लॉग मेरे चैनल में देखने के लिए मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच भाई। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीष का, भाई आपका कितना पड़ा ऑन रोड प्राइस? तो मैंने जो पल्सर NS 125 मैंने बाइक परचेज की थी 3 महीना पहले, उसका प्राइस पूछा भैया ने। तो देखो भाई, हर स्टेट में अलग अलग प्राइस होता है। तो मेरे मतलब झारखंड में तो लगभग 1,18,000 पड़ ही गया था। तो आपका आप कौन सा स्टेट है मुझे पता नहीं, तो आप स्टेट मतलब अपना स्टेट में प्राइस जान सकते हैं। 1,18,000 मेरा पड़ ही गया था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायक चमका का, ब्रो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़्यादा है, नेक्स्ट टाइम डाउन रखना। तो एक मैंने ब्लॉग अपलोड किए थे मैंने, तो वहाँ पे मतलब क्या होता है, मतलब म्यूजिक बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा हो गया था, इसी में भैया ने मतलब कमेंट किया है। तो थैंक यू सो मच भाई बोलने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी गलती हो, आप मुझे बोल सकते हैं तभी मैं उस मतलब गलती को सुधार सकूँ। तो थैंक यू सो मच भाई। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तामिजुद्दीन का, भाई आप दूर जाके कहीं ब्लॉग बनाने की कोशिश करें? तो देखो भाई, दूर कितना जाएंगे, दूर भी जा भी चुके हैं। तो और उम्मीद रखते हैं कि आगे जाकर और भी आपको मतलब दूर की ब्लॉग देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे गैंगटॉक हो या मुंबई, जहाँ का ही हो। तो थैंक यू सो मच भाई बोलने के लिए। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहेल का, भाई आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम है, मैं सिर्फ मेरा नाम फर्स्ट ब्लॉग में बताया था और मैं नाम नहीं बताया, मेरा नाम है बाबुल शेख। तो मेरा हम लोग का सेख ही टाइटल है, शायद आप लोग को सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा सेख ही मतलब हम लोग का टाइटल ही सेख है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर कौन है, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो देखो भाई, मेरा फेवरेट यूट्यूबर है मिस्टर हैकर इंडिया दिलराज सिंह, शायद आप लोग जानते हैं, एक्सपेरिमेंट करके मतलब बहुत फेमस है। मैं उसको मतलब वो मेरा फेवरेट यूट्यूबर है, मतलब बहुत क्या बोले भाई। तो और एक सवाल है सोहेल भाई का,
तो भाई तुम कौन सा ऐप से एडिट करते हो, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो मैं भाई काइनमास्टर ऐप से मैं एडिट करता हूँ। अब मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग काइनमास्टर ऐप से ही एडिट करते हैं, क्योंकि काइनमास्टर का सुविधा कुछ अलग होता है और परफेक्ट होता है, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे जितना सारा सवाल किया था तो उन सारे सवाल का जवाब दे दिया हूँ मैं। और आप लोग के मन में और भी सवाल है मुझे पूछ सकते हैं, मैं उन सारे जवाब देने का मैं कोशिश करूँगा। तो आई होप कि मेरा क्यों ब्लॉग देखने में अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं गाइस, टेक केयर, बाय।